चलिए तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे जोधपुर से। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनका जोधपुर दौरा है, हनुमंत शक्ति जागरण के तहत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में शिरकत उनके द्वारा की गई है। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। अच्छा, बारात में हर प्रकार के लोग जाते हैं तो पीने वाले भी तो जाते हैं जो नागिन डांस करते हैं। अच्छा, तुमने बारात में देखा कभी गौर से? पीने वाले जाते हैं बारात, एक अनजानी जगह जाती, अनजाने गांव में जाती, अनजाने कस्बे में जाती है, और बराती भी उस गांव से अपरिचित होते हैं, अनजाने होते हैं। लेकिन जो पीने वाले होते हैं, जरा उनकी तरकीब देखना। दूल्हा अपने ससुराल के घर लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, पीने वाले ठेके पहुंच जाते। पीने वाले ठेके पहुंच जाते। अच्छा, ठेके पहुंचते नहीं महाराज, टुन्न होकर आ जाते। हाँ, टुन्न होकर के आ जाते। दूल्हा को यही पता नहीं उतने देर में लगता है कि लड़की का घर कौन है, इनको ये पता लग जाता है कि ठेका यहाँ है। हमने एक पीने वाले जोधपुर के चंगी लाल से पूछा, जोधपुर का था। हमने कहा, क्यों भाई, तुम जोधपुर के आदमी हो, पीते बहुत हो, एक बात बताओ, तुम बारात में गए थे वहां जैसलमेर, अनजानी जगह में तुमने ठेका कैसे पता कर लिया? बोले, गुरुजी, हमने जाने के पहले ही तैयारी हम लोग करते हैं। हम का क्या तैयारी? बोले, जाने के पहले रुपया लेंगे दो जेब में, एक में डीजल वाला अलग रुपया, पीने वाला अलग। फिर गाड़ी में बैठेंगे, पहले ही मन में बना के रखते हैं कि ये पीने के काम। गाड़ी में बैठे बैठे यही सोचते हैं कि कब पहुंचे और कब ठेका मिले। 24 घंटा जितनी देर तक गाड़ी चलती है वही दिमाग में चलती है। और गुरुजी, जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो पहले ये नहीं देखते जनवासा कहाँ है, निवास कहाँ है, रुकना कहाँ है, शादी कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, होटल कहाँ है। सबसे पहले जो मकान पहले मिला उसी पर जाके रात को सोते ही जगाते, ए उठो उठो। अंदर से राजस्थानी ताऊ बड़ी सी पगड़ी मूछों बनाए हुए, क्या बात है, इतनी रात को क्यों जगा रहे हैं, मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, बगल वाली गली में जा। अब इसके दिमाग में बोला, गुरुजी, इतना तो पता लग गया कि यहां नहीं मिलती पर बगल वाली गली में है। बोले, वहां जाकर हम खोज करके पी लेते हैं। ये उदाहरण देते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मेरे पागलो, हम तुम्हें कहना चाहते हैं, पीने वाले पिबक्कड़ को जब 15 मिनट में ठेका प्राप्त हो सकता है तो 40 साल की जिंदगी में तुम्हें क्या लक्ष्य या परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है? जब पीने वाले को प्राप्त हो सकता तो क्या तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता? क्या तुम्हें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता? क्या तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती? मेरे हनुमान भक्तों, मेरे भारत के लोगों, तुम अपने हृदय में राम को जगाए रखना, किसी ना किसी रूप में हनुमान जी तुम्हारे पास जरूर आएंगे।